प्रोफेसर रमेश, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट, फिर उसकी कंडीशंस क्या होती हैं वो देखेंगे, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब नाम में लिखा है इनपुट टैक्स। इनपुट मतलब आप कोई चीज़ बनाते हो तो जो इनपुट करते हो, मतलब आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यूज़ किया है रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल पे आपने जो भी टैक्स भरा है उसका आपको क्या मिलने वाला है, उसका आपको क्या मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है वो मटेरियल पे आपने जो भी टैक्स भरा है उस टैक्स का आपको क्या मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है। तो कैन आई से इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑन परचेजेस, परचेज, आई बात समझ में? तो देखो फर्स्ट इज, जस्ट अ मिनट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट इट इज अ टैक्स पेड ऑन परचेजेस। जो भी आपने परचेजेस पे टैक्स भरा है उसका आपको क्या मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटीज है ऑफ टेकिंग ITC। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन है? द फर्स्ट वन, रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहली बात, अगर आपको ITC लेना है तो आप क्या होना चाहिए, GST के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तभी आप ITC ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ITC आप नहीं ले सकते। ओके, सेकेंड इज गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। आप जो भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर ITC लेने वाले हैं वो गुड्स और सर्विस बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। पर्सनल यूज़ के लिए आप गुड्स एंड सर्विस यूज़ कर रहे हो और उसका ITC आप लेने जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गुड्स एंड सर्विस टू बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स फॉर अवेलिंग ITC। ITC लेने के लिए आप बोलेंगे सर मैंने ये परचेस किया है, तो मैं बोलूँगा बताओ बिल। तो जो भी ITC आप लेने वाले हैं उसका बिल आपके पास होना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर अवेलिंग ITC, तो ITC लेने के लिए आपके पास इनवॉइस होने चाहिए, डेबिट नोट होने चाहिए, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर इसका प्रूफ है कि यह ITC आपने भरा है, यह ITC आपने परचेस किया है, मतलब ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेस किया जिसपे ITC आपने भरा है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विस आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वह एक्चुअल में आपको मिले हों, मतलब आपने ख़रीदा लेकिन वो गुड्स आपको मिला ही नहीं, तो आप ITC नहीं ले सकते। वो एक्चुअल में आप उसको यूज़ कर रहे हो तो यू शुड रिसीव दैट गुड्स और सर्विस, तो आप ही उसको लेने चाहिए, कोई और नहीं। ओके, तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। टैक्स एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, जो ITC का आप क्रेडिट लेने वाले हो, जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने वाले हो, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को आपने पे किया हो। अगर गवर्नमेंट को आपने पे किया रहेगा तभी आप उसका ITC क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टेकिंग द क्रेडिट। फिर नेक्स्ट बोला है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करना चाहिए। रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि आपने कितना ITC लिया है, मतलब कितना आपका परचेजेस है, उसके ऊपर कितना एलिजिबल है, वो आपको पता चल जाता है। इसलिए याद रखना है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये आपको अगर GSTR में, अगर और डीप में देखना है तो GSTR 3B करके फॉर्म आता है जिसमें आप अपना इनवर्ट सप्लाई का पूरा डिटेल डालते हो, राइट, मंथली बेसिस पे ये फाइलिंग किया जाता है, उसके बेसिस पे आप ITC ले सकते हो। तो इन शॉर्ट द इनपुट टैक्स क्रेडिट है, दैट इज टैक्स ऑन परचेजेस। वो टैक्स ऑन परचेजेस आपको तभी मिलेगा अगर पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो गुड्स और सर्विस आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई ये गुड्स एंड सर्विस आपने परचेज किया, जैसे इनवॉइस,
वो गुड्स एंड सर्विस आपने एक्चुअल में उसको रिसीव किया हो, मतलब कंज्यूम किया हो, उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो एक्चुअली आप गवर्नमेंट को पे किया गया हो और आपने फाइलिंग ऑफ रिटर्न किया गया हो, तभी आप इसके ऊपर ITC ले सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी। अब हम लोग इसका प्रोविजन देखते हैं कि कैसे लेना है। तो फर्स्ट द दिस प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, आप ITC कैसे ले सकते हो? तो आपको पता होना चाहिए GST दो टाइप का है। GST जो लगता है, एक होता है IGST और एक होता है C और SGST, राइट? तो IGST इज़ फॉर इंटर स्टेट और C और SGST इट इज़ फॉर इंट्रा स्टेट, ओके? तो अब देखो, पहला ITC ऑफ IGST, जो IGST का ITC है, वो पहला आपको यूटिलाइज करना है IGST के अगेंस्ट में। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये जो टैक्स ऑन परचेजेस है इसको आपको माइनस करना है टैक्स ऑन सेल्स पे, जो भी सेल किया होगा। तो जो भी सेल्स आपने इंटर स्टेट जिस पे IGST निकला होगा, सेल जिसके ऊपर IGST निकला होगा, तो पहले उसको यूटिलाइज करना है, और फिर जो भी एक्सेस बच जाएगा उसको आपको CGST या फिर SGST में यूटिलाइज करना है इन एनी ऑर्डर। ये जब आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा तो समझ में आएगा। बस एज ऑफ नाउ ये याद रखो, IGST को आपको यूज़ करना है IGST के अगेंस्ट में फर्स्ट, फिर सी और एस के अगेंस्ट में इन एनी ऑर्डर। आई बात समझ में? IGST फर्स्ट यूटिलाइज फॉर IGST, देन सी और एस डिपेंडिंग अपॉन एनी ऑर्डर। नेक्स्ट इज CGST को पहले यूटिलाइज करना है CGST के अगेंस्ट में, फिर IGST के अगेंस्ट में। तो CGST को पहले यूज करो सी के अगेंस्ट में और फिर IGST के अगेंस्ट में। सेम वे में SGST फर्स्ट यूटिलाइज फॉर SGST एंड देन IGST। तो इन शॉर्ट बोला जा रहा है कि IGST अगर होगा तो I को I से करना है, फिर C और S दोनों के साथ करना है एनी ऑर्डर। लेकिन C का I I के साथ हो सकता है, S का I के साथ हो सकता है, लेकिन S और C आपस में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और हाउ टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स, ये हम लोग ने इस वीडियो में देखा, ठीक है? प्लीज़ इसको एक दो बार और रेफर करिए तो आपको और ज़्यादा ग्रिप आ जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।